हेलो दोस्तों, आज मैं आपको थिंक एंड ग्रो इसका पार्ट टू बताऊंगा। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसे ज़रूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नॉलेज दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट जनरल नॉलेज, सेकेंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जनरल नॉलेज वो होती हैं जिसे रटने के लिए हमें स्कूल कॉलेज में भेजा जाता है। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हमारे कभी काम नहीं आते और हम भी इसी नॉलेज को अपने दिमाग में भरते रहते हैं। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, किसी भी एक फील्ड की इतनी नॉलेज ले लेना कि आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओ, उसे स्पेशलाइज्ड नॉलेज कहलाते हैं। अमीर लोग भी इसी नॉलेज को अपनाते हैं। एग्जांपल, एक नॉर्मल डॉक्टर जो कि सारी बीमारियों की दवाई देता है, वो भी उतने पैसे नहीं कमाता जितना कि एक एक्सपर्ट डॉक्टर कमा लेता है। इसलिए अमीर लोग कभी भी जनरल नॉलेज से अपना दिमाग नहीं भरते, वो हाई इनकम स्किल्स को अपने अंदर डेवलप करते हैं और उसके मास्टर बन जाते हैं। इमेजिनेशन, एक कोट है कि आप जो इमेजिन कर सकते हो वो आप अचीव भी कर सकते हो। एग्जांपल, इंसानों ने पिछले 150 सालों में जितनी तरक्की की है उतने पूरे ह्यूमन हिस्ट्री ने नहीं की। क्या पहले कोई सोच सकता था कि हम एक टीन के डब्बे में बैठकर एक देश से दूसरे देश जा सकते हैं? क्या पहले कोई सोच सकता था कि बस कुछ क्लिक में हम पूरे दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं? मगर आज ये पॉसिबल है एरोप्लेन और मोबाइल के रूप में। ये सब इमेजिनेशन का ही तो खेल है। राइट ब्रदर्स के इमेजिनेशन की वजह से ही तो आज हम प्लेन में घूमते हैं। हेनरी फोर्ड के इमेजिनेशन की वजह से ही तो हम कार चलाते हैं। स्टीव जॉब्स की इमेजिनेशन की वजह से ही हम टच स्क्रीन चलाते हैं, नहीं तो आज भी हम बटन वाले फ़ोन ही यूज़ कर रहे होते। इतनी पावर होती है इमेजिनेशन में। आप इमेजिनेशन का यूज़ करके अपने ड्रीम्स को पूरा भी कर सकते हैं। इमेजिनेशन दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट सिंथेटिक इमेजिनेशन एंड सेकेंड क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन उसे कहते हैं जिसमें किसी दूसरे के आइडियाज़ को इस तरह ऑब्जर्व करके उसे मॉडिफाई करके या फिर किसी दो आइडियाज़ को मिक्स करके किसी पुरानी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके एक नए तरीके में बनाया जाए, उसे सिंथेटिक इमेजिनेशन कहते हैं। क्रिएटिव इमेजिनेशन वो होती है जो आइडियाज़ पहले कभी नहीं आए। इसका मतलब होता है किसी भी काम को एक नए ढंग से करना, उसको क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। एग्जांपल, रेडियो के ज़माने में टीवी बनाना, ये एक क्रिएटिव इमेजिनेशन है। बर्निंग डिज़ायर प्लस परसिस्टेंस, जैसे कि एडविन सी बांस ने सोचा था कि वो थॉमस एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनेंगे। थॉमस एडिसन उस समय के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एडविन का ये लक्ष्य था, मगर प्रॉब्लम ये थी कि एडविन के पास ऑरेंज न्यू जैसी जाने के पैसे भी नहीं थे जहां एडिसन रहते थे। और दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि वे एडिसन को जानते भी नहीं थे। मगर उन्होंने हार नहीं मानी, वो किसी न किसी तरह से उनके पास पहुंच गए। मगर उन्हें वहां पे एडिसन के लैब में शुरुआत में बहुत कम सैलरी पे जॉब करनी पड़ी। एडविन ने कभी एडिसन के साथ बिजनेस करने का सपना नहीं छोड़ा और आखिरकार वो एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने गए और अपने लाइफ में करोड़ों डॉलर कमाए। ऐसी ही स्टोरी है एडिसन की। एडिसन जब बल्ब बना रहे थे तब वे इसमें हजार बार फेल हुए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और अपने इनोवेशन से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने काम पे परसिस्टेंस रहना बहुत ज़रूरी है। अपने गोल पर आपको तब तक मेहनत करनी चाहिए जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाए। पावर ऑफ मास्टरमाइंड, एक कोट है कि आप उन 5 आदमी के इक्वल हो जिनके साथ आप मैक्सिमम टाइम रहते होंगे। अगर आपके आसपास के लोग गरीब हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप भी गरीब होंगे। स्कूल में भी एक स्मार्ट बच्चा अपने ऐसे 5 स्मार्ट बच्चों के साथ ही रहता है। उसी तरह रियल लाइफ में भी अमीर लोग अपने जैसे इंटेलिजेंट के साथ ही रहते हैं। इसलिए आपको हमेशा 5 पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहना चाहिए। इसलिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अमीर लोगों की एडवाइस की ज़रूरत है। ये सारी बातें मैंने आपको वन ऑफ द बेस्ट बुक थिंक एंड ग्रो रिच से बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ।